तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं आपके साथ रेंज। हमने बताया कि हमने वर्कबुक को पढ़ा, हमने शीट्स को पढ़ा, अब रेंज को पढ़े। अब किसी सेल को सिलेक्ट करना है, कैसे करें? किसी सेल को सिलेक्ट करने का कोड होता है रेंज, यहाँ पे A1.select, या एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो एक्टिवेट एक सिंगल सेल होता है और सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स कर सकते हैं। तो सिलेक्ट A1, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है कि इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेल्स वन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन 1,1.select। तो सिलेक्ट 1,1 क्या हुआ कि पहला रो है, रेफरेंस पहला कॉलम नंबर के हिसाब से, तो सेल बराबर 1,1 कर सकते हैं। कि जब इसको रन करेंगे तो ये जो एक्टिव शीट होगा उसी के ऊपर, मान लीजिए मुझे शीट 3 के रेंज 1 को सिलेक्ट करना है, तो उस केस में आपको यहाँ लिखना होगा शीट्स और यहाँ पे देना होगा शीट 3 डॉट सिलेक्ट, कि आप पहले शीट 3 के रेंज शीट 3 पे जाएंगे। ओके, ओके और उसके बाद फिर वापस लिखेंगे रेंज, रेंज A1.select। ठीक है, कि आपने ओके पहले शीट 3 में गए, फिर रेंज A1.select किए। क्लियर है? यस सर। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है, जैसे बुक 2 के शीट 3 पे जाना है, तो इसके ऊपर आपको बुक 2 का देना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्क बुक्स, और इसमें आप देंगे book2.xlsx.activate। तो पहले उसको एक्टिवेट करेगा, फिर उसके अंदर जाएगा, राइट? राइट सर। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी सेल पे हम टाइप कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे शीट 3 पे कुछ टाइप करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि रेंज A1, क्या हो गया A1.value इक्वल टू, मान लीजिए इसके अंदर मुझे 500 लिखना है, तो 500 नंबर है तो डायरेक्ट लिख दे, या कोई टेक्स्ट लिख रहा है, जैसे नेम का हेडिंग देना है तो नेम, तो टेक्स्ट है इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ओके शीट 4 के A1 पे जाए, तो दो तरीके हैं कि आप यहां पहले शीट 4 को एक्टिवेट कर ले, या कि शीट 4 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, और फिर नेम लिख दे, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में है तो फाइल दे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि book 2, उसके बाद हमने शीट लिया कि शीट 4, इसी में डायरेक्ट, और फिर यहां पे रेंज। ठीक है सर, ओके एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि सर हम एक साथ सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आपका स्क्रीन चेंज करने वाला जो फीचर है वो आपको 1 by 1 जाना पड़ेगा, लेकिन विदाउट स्क्रीन चेंज करने वाले ऑप्शन, मतलब कि ए रहेगा आपका सीट, या मान लीजिए मैं सीट 3 पे हूं, तो book 1 का शीट 3 एक्टिवेट रहेगा, लेकिन वो पीछे से बैकएंड में जाके वो क्या करेगा कि book 2 के अंदर शीट 4 के अंदर A1 में जाके नेम की वैल्यू डाल देगा। ठीक है, ठीक है।
ओके विदाउट इसमें। नो नो सर अब इसमें ये हो गई बात, अब इसमें बात करते हैं कि अगर किसी सेल, एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल पे कैसे, मैं चाहता हूं कि D1 की वैल्यू A1 पे कैसे आए, तो रेंज यहां हम लिखेंगे A1, जो रिसीवर है जिस पे वैल्यू आ रहा है वो पहले लिखा है, डॉट वैल्यू यहां पे रेंज D1 जो गिवर है वो बाद में लिखा है, इक्वल के सेकेंड पार्ट में, तो D1 की वैल्यू A1 पे आएगा। D1 पे अगर 50 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगर D1 पे फॉर्मूला है जैसे कि 20 + 30, तो यहाँ पे 50 एज ए नंबर आएगा, टेस्ट स्पेशल टाइप का, ठीक है। ओके लेकिन इसी और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ फॉर्मूला के जगह पे मैंने कर दिया डॉट वैल्यू, वैल्यू फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला कर दिया, तो फॉर्मूला ने अब जो है D1 का पूरा फॉर्मूला उठ के यहाँ आया। पहले पार्ट में जो जो वैल्यू रिसीव कर रहा है उसके उसमें कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिसीवर गिवर जो है उसमें आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है, समझे। समझ इसमें कोई दिक्कत? नो सर तो आपने अभी सीखा कि किसी सेल को कैसे एक्टिवेट करेंगे, किसी सेल पे हम वैल्यू कैसे डालेंगे, और सेल विद इन द शीट हो, विद इन द फाइल हो, तो क्या फर्क, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। सर अब बात करते हैं कि हम एरिया को कैसे सिलेक्ट करें, ये भी जरूरी है सर। एक पर्टिकुलर एरिया कैसे सिलेक्ट की जाएगी, अब मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम मैनुअल सिलेक्शन के लिखेंगे कि A1 से लेके AG30 डॉट सिलेक्ट, ये हमारा एक्सेल का जी एक्सेल का वो रह गया उसमें क्या बोले, हाँ सर ये जी गायब जी हो गया, का जी हाँ मिसिंग जी दे, ये जो हुआ जो हमारा एक्सेल का मेथड है उस मेथड पे वर्क किया, ठीक है। सर लेकिन VBA का एक अपना मेथड होता है कि हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा एंडिंग पॉइंट लिखते हैं, ये VBA का मेथड इसलिए कि हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग डायनेमिक वगैरह करते हैं, सिलेक्शन को डायनेमिक करते हैं, जो कि हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे कि हम सिलेक्शन को कैसे डायनेमिक करते हैं, ओके। ठीक है ओके ओके लेकिन मुझे अगर कंट्रोल ए करना हो तो कंट्रोल ए हमारा करंट रीजन का होता है ना सर, तो यस सर रेंज A1 डॉट हम यहाँ करते हैं करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है, ओके तो आपको सेलेक्ट कर दे, क्लियर है। यस सर अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, जैसे मान लीजिए पूरा एरिया कॉपी करके मुझे दूसरे शीट पे जाके पेस्ट करना है, तो उसके लिए अब मान लीजिए कि करेंट रीजन को इस सेलेक्ट के जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और हम क्या करेंगे शीट, और यहाँ पे देंगे शीट जो फाइल फिट में करने डॉट यहाँ पे सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, वो विंडो का पार्ट है, तो वो एक्टिव शीट सीट के ऊपर चलेगा, सीट के जो मेंबर है उसके ऊपर चलता है, ठीक है। ओके लेकिन पेस्ट स्पेशल जो है वो पेस्ट स्पेशल आपका एक्सेल का पार्ट होता है, A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए तो पेस्ट कर देगा,
तो करने का मतलब ये फिर सीट एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली सीट का रेफरेंस दे सकते हैं कि सीट 5 में जाएगा, मतलब वो जो एक्टिव सीट है उसका डेटा कॉपी करके डायरेक्टली सीट 5 के A1 पे जाके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ऑल कर देगा। अब पेस्ट ऑल के जगह पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि पेस्ट एज ए वैल्यू, वो चीजें पेस्ट ऑल के जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो सर रेंज का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा स्लोली पढ़िए और प्रैक्टिस करते हुए पढ़िए।